गया जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजामों को बारीकी से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनगर विधायक प्रेम कुमार ने शहर के कई घाटों एवं तालाबों का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। प्रेम कुमार ने कहा कि का महान पर्व छठ प्रारंभ हो गया है और यह पर्व अपने आप में महान पर्व है, पूरे दुनिया मनाया जाता है और देश के सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर लोक आस्था का पर्व बनाते हैं जाकर के। आज बिहार में भी बड़े पैमाने पर घाटों में, नदियों में, तालाबों में सरकार के सबसे बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ साथ स्थानीय नागरिकों के द्वारा भी आगे बढ़ करके स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। छठ पर्व में जाकर के पूरा बिहार और देश चकाचक दिखता जाकर के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत, वो दिखता है मतलब जाकर। यदि इसी तरह हम संकल्प लें कि आने वाले समय में भी अपने घरों के साथ साथ मोहल्लों, शहर को यदि साफ रखें और अच्छा होगा जाकर के, मैं चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन, NGO, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब लग करके और NDA के लोग घाटों पर मेहनत कर रहे हैं जाकर के हैं। विभिन्न दलों के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और स्वच्छता उनकी प्राथमिकता जा करके है। सुरक्षा के लिए भी बैरिकेटिंग किया गया है जा करके। और हम भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि वैश्विक कोरोना महामारी जो आई है, कि वैश्विक कोरोना महामारी से पूरा दुनिया परेशान है, इससे भगवान मुक्ति दिलाए पूरी दुनिया को। ये भगवान मेरी प्रार्थना। गया से मनोज कुमार के साथ रिजवाना परवीन की रिपोर्ट, ATN Live India।